एसपी क्राइम इंदु प्रभाल सिंह ने बाल संरक्षण को लेकर पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ मासिक बैठक की, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभाल सिंह ने बताया कि यह बाल संरक्षण की मासिक बैठक थी जो कि हर महीने की जाती है, जिसमें विभाग के लोग शामिल हुए हैं जो कि बाल संरक्षण से संबंधित है। उन्होंने कहा, बैठक में बच्चों की समस्याओं, पास्को एक्ट, जेजे एक्ट पर चर्चा की गई है। अगर विवेचकों को न्यायालय से किसी तरह की समस्या आती है तो न्यायालय से आए लोगों से समाधान की बात की जाती है। अगर बच्चों को रखने में किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो उस पर चर्चा की जाती है। मेडिकल में किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो उस पर चर्चा की जाती है। जो बच्चे कार्य कर रहे हैं उनको रेस्क्यू करके बाल संरक्षण केंद्र भेजा जाता है और बाल संरक्षण के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है और सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। उन्होंने कहा, सभी अधिकारियों को विवेचना को समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, उप निरीक्षक आलोक सिंह, सर्वेश कुमार राय, डॉक्टर मुमताज खान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, अपराधों के समस्त प्रकरणों की विवेचना करना, नेक्स्ट एसजेपीयू की मासिक बैठकों व प्रशिक्षण शिविरों से संबंधित सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करना। आप राजेश मल साहब है, सहायक अभियोजक के द्वारा कुछ आपको ज्ञान दर्शन दिया जाएगा। एसबीआई रिपोर्ट आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। और आती है अगर वहीं बैठ करके दो तो वहीं बना कर, लेकिन मेरे देखने जो आता है वो यही होता है। रिमांड आई है, पता चला बच्चे को प्रस्तुत करना है तो बोला जा रहा है कि हाँ भेजो, बड़ा करें ठीक है कि आगे भी ये काम आती रहती है। तो जो शैक्षिक प्रमाण पत्र दिया जिसने लड़के ने, तो विवेचक ने उस पर रिपोर्ट ले लिया उनसे कि मेरे यहाँ पढ़ा हुआ है कक्षा 8, मेरा लड़का यहाँ पढ़ा है कक्षा 5। तो टीचर बुलाया गया तो टीचर ने कहा कि विद्यालय 8 तक नहीं है, जबकि विवेचक महोदय ने उसके जो रिपोर्ट और उस स्थिति में मैंने दे दिया। तो यहाँ सर ये हमारा तो है हमारे पास आनी चाहिए जिसमें पुलिस का काम नहीं है। उसकी एक कॉपी ले लें, उसमें लिखा होता है कि इस क्रम समान क्रम संख्या पे इनका नाम दर्ज है, जिसके आधार पे इतनी नंबर की है, उसकी एक कॉपी और अटेस्टेड कॉपी उसकी मंगा लें। वो ज़्यादा अथेंटिक हो जा रहा है, हम लोग इसको प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर चुके हैं, हम लोग ले रहे हैं और सब लोग दे रहे हैं, सारे बच्चे देने बढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सुन लीजिए कि आप लोग योजनाएं कर रहे हैं उसमें इस तरह की डिस्क्रिपेंसी आ रही है कि जो विद्यालय का प्रबंधक या प्रिंसिपल है उसको कोई नहीं पता कि उसका स्कूल कहाँ तक का है। वो सर्टिफिकेट दे रहा है कि 8 तक का है और बाद बार कर 5वें तक का ही विद्यालय है उसका, जिसमें कि अभी जाँच चल रही है। तो आप लोग जब ये सर्टिफिकेट देते हैं, वो लोग प्रमाण पत्र देते हैं प्रिंसिपल, तो उस जिस रजिस्टर में उसका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है उस रजिस्टर की प्रमाण पत्र उसे ले लीजिए, ठीक है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, विवेचना जब करते हैं तो प्रिंसिपल जो लिख के देता है उसी को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये केस बता रहे हैं उसमें प्रिंसिपल खुद ही बता रहे हैं कि कभी पागल हो जाता हूँ मैं, कभी से मैं सही नहीं हो सकता बच्चा। तो मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो आप लोग उसके रजिस्टर की कॉपी ले लें, उससे बोले प्रमाण कॉपी दो तुम, ठीक है ना, ताकि आगे इस तरह की दिक्कतें ना आए। ये आज एसजीपीयू की बैठक हुई थी, एक समन्वय बैठक होती है जो हर महीने इसको कन्वीन किया जाता है, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं जो कि बच्चों के वेलफेयर से संबंधित होते हैं, प्रशासनिक भी और जुडिशियल भी और पुलिस के भी डिपार्टमेंट और अन्य जो शेल्टर होम्स हैं उनके भी जो ओनर्स होते हैं या प्रबंधक होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, जिसपे हम बच्चों से रिलेटेड समस्याओं को और जो पॉक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर विवेचकों को कोई समस्या है तो
उसका भी समाधान जो जुडिशरी की तरफ से आते हैं जीडी साहब या कोई भी वो उसका समाधान बताते हैं। और अगर बच्चों को रखने में कहीं पे जैसे उनका मेडिकल है या 164 के दौरान अगर उनको रखने की कोई समस्या होती है तो उसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं। मेडिकल में अगर कोई समस्या होती है तो उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लोग होते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। इन ऑल जो बच्चों का वेलफेयर है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। और बच्चे जो भिक्षावृत्ति में हैं या लेबर चाइल्ड लेबर हैं उनको भी रेस्क्यू किया जाता है और जैसे समय समय पर अभियान चलते हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाती है, क्योंकि इसमें सभी थानों से जो बाल कल्याण अधिकारी हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। मैम कुछ निर्देश भी दिए गए हैं आगे क्या आपको? निर्देश ये कि जो विवेचनाएं हैं उसमें जो फॉर्म्स वगैरह हैं एक्ट के अनुसार, क्योंकि अभी हाई कोर्ट इसमें काफ़ी संजीदा है पॉक्सो एक्ट की विवेचनाओं को लेकर के, तो उसमें जो निर्देश आते रहते हैं और जो नियमानुसार एक्ट के अनुसार है उसके संबंध में कार्रवाई करें, जो फॉर्म्स वगैरह हैं उसको प्रॉपरली फिल करें और समय से उसका निस्तारण करें यथाशीघ्र।